अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, आपका फेवरेट आरजे ज़ैन अहमद आपके फेवरेट प्रोग्राम दिल की बातें लेकर आपके दिल के दरवाजे पे दस्तक दे चुका है। तो हमें कॉल मिलाई है और बता दीजिए अपने दिल की बात, क्योंकि हमारा आज का टॉपिक है मर्सी। क्या आपने जिंदगी में कभी की अपनी मर्जी? अगर की तो कितनी, कब, कहां, कैसे, हम सब सुनना चाहते हैं। तो उठाइए फोन और मिलाइए हमारा नंबर 111111111 और कह दीजिए अपने दिल की बात। इसी दौरान हम आपका फेवरेट गाना प्ले करते हैं। डोंट गो एनीवेयर। देखो जरा। हमजा, तुमने मेरा फोन देखा है? आपके अपने पास होता है और कहाँ होता है? बकवास मत करो, 100 दफा तुम्हारे पास से मिला है। अपी, मेरे किस काम का, इतना पुराना मॉडल है, उसमें तो कोई गेम भी नहीं खेल सकते। शोहर ढूंढ रही हो क्या? तुम रख के भूल गई उसे, तुम्हारे अब्बा तो मुझे कभी नहीं भूले। इसलिए नहीं भूले कि आप हमेशा सामने रहे होंगे। कहाँ गया यार? आपी, आप फ्रिज में देखें, आप फ्रिज में मुड़ा के खाती है ना, शायद वहां ना रख दिया हो। हमजा, फ्रिज में रख दो मोहब्बत पका के, नहीं फ्रीजर, जम जाएगी अम्मा, मर जाएगी। हमजा, ये तुमने रखा था ना वहां? आपी, बस अब आपको मिल गया ना, मजे करें। कॉल लेंगे। वेलकम बैक। आई थिंक हमारी पहली कॉल ऑनलाइन है। लेट्स सी हु इट इज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन है और कहां से बात कर रही हैं? मैं सहर बात कर रही हूँ, यहीं कहीं से। वाओ, सहर बात करें, वो भी रात को, यानी हमारे रेडियो शो में रात को सहर हो गई। जरूरी तो नहीं कि सूरज से अंधेरा खत्म हो जाए। Well, ये मामला थोड़ा सा सीरियस लग रहा है मुझे। चलें आप बताएं अपनी दिल की बात। दिल की बातें तो खामोश होती हैं, बताई थोड़ी जाती हैं। हाँ, लेकिन खामोशी की भी तो जुबान होती है सर। क्या आपने कभी किसी के साथ खामोशी में बात नहीं की? अगर नहीं की तो करके देखिए। दीवारें जवाब देंगी खामोशी का। सर, मुझे लग रहा है कि आप जिंदगी से कुछ ज्यादा ही मायूस हैं। चलिए थोड़ा टॉपिक चेंज करते हैं। क्या आपको हमारे आज का टॉपिक मालूम है? जी, मर्जी। तो क्या है आपकी मर्जी? कंप्यूटर्स की क्या मर्जी होती है? तो क्या मैं किसी कंप्यूटर से बात करूं या फिर दूसरी तरफ सहर नामी लड़की ही है? मेरा मतलब है कि हम एक प्रोग्राम्ड जिंदगी गुजारते हैं जिसमें मर्जी का कोई दखल नहीं है। ये कैसे हो सकता है? हर शख्स की अपनी मर्जी तो होती है सहर। मेरे ख्याल में मर्जी सिर्फ दो लोग कर सकते हैं, या तो वो जिसके पास मुकम्मल इख्तियार हो, करेक्ट, और दूसरा, या फिर वो जो बिल्कुल बेबस हो, कोई रास्ता ही ना हो उसके पास अपनी मर्जी करने के सिवाय। तो सहर, आप दोनों में से कोई भी नहीं? नहीं, हमारे फैसले कोई और करता है। तो ये बेबसी ही हुई ना? नहीं, जूते कपड़े वगैरह मैं अपनी मर्जी से ले लेती हूँ, इसलिए मुकम्मल बेबस नहीं हुई अभी तक। सहर, एक प्राइवेट सा सवाल पूछूं आपसे? मैं आपके बगैर पूछे ही जवाब दे देती हूँ, नहीं हुई मोहब्बत अब तक। वाह सहर, आप तो हमें हैरतजदा कर रही हैं। खैर, अगर नहीं हुई आपको तो हमारी दुआ है कि हो जाए।
क्योंकि मोहब्बत से बड़ी बेबसी और कोई नहीं, और ये बेबसी इंसान से अपनी मर्जी करवाती है, वो मर्जी जिसे हम कहते हैं दिल की मर्जी। पता नहीं। चले सर, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, फिर कॉल कीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले ट्रैक की तरफ, जिसमें भी है आपके दिल की बात। आपी भूख लगी है, प्लीज खाना लगा दें। ये जो जैन वाला प्रोग्राम है, आज में सबसे पहली कॉल जो थी वो किसी ने लड़की ने की थी। हाँ, और पूरी बात तो सुन लिया कर, पहले ही टर्टर किया कर, पता लगा कि वो नंबर कहाँ से है। चल ठीक है, फौरन मुझे नंबर भेज, अभी अभी। हाँ अभी, वो तुमने आज का प्रोग्राम सुना था? कौन सा? वही अभी चल रहा था थोड़ी देर पहले, जैन अहमद वाला। नहीं क्यों? मुझे लगता है उसमें मनाल ने कॉल की थी। क्या? तो मैंने अपने लड़के को नंबर मांगा, थोड़ी देर में ट्रेस करके बताएगा ना। उसे कितनी बार मना किया, इस तरह की हरकत ना किया कर। कमाल है भाई, फारग होने का मतलब ये नहीं है कि मनाल अपनी मर्जियां करती फिरे। FM चैनल मैंने इसलिए नहीं खोला कि वहां वो मेरे मुलाजमों को फोन करके करके रोने रोती रहे। कौन से प्रोग्राम में फोन किया? ओ भाई, जैन अहमद वाले प्रोग्राम में। वही मुंडा जड़ा मेरा दूर का सोतेरा रिश्तेदार है, सड़क छाप किस्म का लड़का है। अब वो शहर तो शहर, मेरे पिंड में भी करके हालात बताएगा। मना कर उसे मनाल को। लो, कंफर्म हो गया, उसी का नंबर है। आप प्लीज गुस्सा ना करें, मैं समझाऊंगी उसे। अच्छा, वो 6 महीने का कट्ठा किराया पर दिया तेरी वालदा के घर का। इतना ज्यादा किराया देने की क्या जरूरत थी? हर महीने तो उस मालिक मकान का मुंह देखना पड़ता था, अब कम से कम 6 महीने तक उसकी शक्ल नजर नहीं आएगी। आपके बगैर न जाने हम सब लोग क्या करते। आप कितना ख्याल रखते हैं हमारा। मनाल की आप फिक्र ना करें, मैं उसे समझा दूंगी। चल तू कर ले अपनी मर्जी, लेकिन उसने करनी भी अपनी मर्जी है, है? Hello ladies and gentlemen, this is your host RJ Sherry. We are live and tonight my guest is, she is a social worker. She has done a lot of work for women rights. She is a dear friend of mine and none other than Rabia Humayun. How are you, Rabia? I'm good. Thank you, Sherry, for inviting me over. I'm so excited to be with you here and to be able to talk to the audience tonight. Dear listeners, बहुत खुशी हो रही है मुझे कि आज इस फोरम पे आपसे कुछ बातचीत करने का मौका मिलेगा। जनरली मैं ऐसे प्रोग्राम्स पे जाती नहीं, बट देयर वर टू गुड रीजंस। क्या मसला है? ये इसके शो में आज गेस्ट कौन है? कोई एनजीओ वाली है। इतना को ड्रैग शो जा रहा है ना, ये जो शहरयार है ना, इसका शो बंद होने वाला है 1-2 दिन में, मुझे बता रहा हूं। अच्छा, आप इसका छोड़ मेरे शो का फीडबैक देना जरा। वो तो सेल्स वाले बताएंगे। सेल्स वाले तो कुछ भी सही नहीं बताते। अभी मुश्किल से 1 महीना भी नहीं हुआ तेरे शो को शुरू हुए हुए, प्रॉपर फीडबैक में थोड़ा तो टाइम लगेगा। लेकिन फिर भी क्या क्या तरीका कार क्या होता है, किसने पता चलता है? क्या कोई नंबर ऑफ SMS जो आते हैं शो पे, या फिर कोई फेसबुक लाइक्स? क्या इरफान साहब लाइक्स, यानी इरफान साहब जिसको या जिसके शो को पसंद कर ले वो चलता रहता है, और जिसको नहीं वो बंद हो जाता है। फिर तो शो बंद ही होगा। वही तो, तू टेंशन बहुत लेता है यार। चला तुझे अच्छी सी चाय पिलाता हूं। आधी प्लेट।
देखा तुझे कितनी बार समझाऊं, ये आरजे वारजे बन के कुछ नहीं होगा, सिर्फ आवाज मशहूर। मुझे भी क्या क्या दूं तुझे भी नंबर? ओ भैया उसके बाप का एफएम है, तेरे बाप का एफएम नहीं है, तो वो मुझे तनख्वाह देता है, तू मुझे ट्रीट दे दे। अच्छा हाँ, तो आजकल क्या रेट चल रहा है, कोई बर्गर पिज्जा पास्ता बर्गर्स फ्राइज चिप्स लज़ानिया सब मंगा लो, क्योंकि नंबर स्पेशल है। एक्सक्यूज मी, तो बॉय जिसे लड़कियां फोन करती हैं वो किसी का नंबर लेगा है? दे दूंगा तेरे बिल देने के बाद, जल्दी आजा भैया मुकरी ना जाए। क्रिकेट में बहुत सारे सवाल आते हैं, तहकीकात हो गई, रिपोर्ट चली गई शहरयार खान साहब के बाद, उसके बाद क्या कुछ होता है आने वाला वक्त बताएगा। आरिया रशीद साहब, मैं आपसे ही जानना चाहूंगा, आप इमरान खान ने यह बात कही कि पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त दो पावर सेंटर्स हैं, नजम सेठी और शहरयार खान, इनके टकराव की वजह से पाकिस्तान क्रिकेट को ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। जी हमने देखा है कि हमारे मुल्क में जब सेंटर और प्रोविंसेस के दरमियान कोई टसल होती है तो अक्सर हुकूमतें गिर जाया करती हैं, तो मुझे ऐसा ही कुछ नजर आ रहा है कि शहरयार खान साहब जो हैं शायद उनको अपनी कुर्सी छोड़ना पड़ेगी, और आई होप कि मजीद कंट्रोवर्सी से हम बचें। अम्मा खुदा के लिए टीवी के बाद हम सेठी साहब इस मुल्क के लिए, इस क्रिकेट की बेहतरी के लिए बेहतर हैं। हमजा जल्दी तैयार हो, नाश्ता दे रही हूं, देर हो रही है स्कूल के लिए, कर सकें और अगले वर्ल्ड टीवी खराब हो गया, आवाज नहीं आ रही जी, किसी को भी नहीं आ रही किसी की भी। आप ही वैन वाले के पैसे देने हैं, वो तो हमेशा ही देते हैं, और फीस भी। हमजा तुम्हें सुबह सुबह ऐसी बातें करना जरूरी होता है? मिस कह रही थी फीस जमा कराना जरूरी है, मिस से कहना ले आएंगे, जब हमारी इमदाद आएगी ना तो वो भी ले आएंगे। आप ही आप हमेशा एक ही मूड में क्यों रहती हैं? ये मूड कपड़ों की तरह बदल क्यों नहीं सकते? अम्मा बस बहुत हो गया है, अब मैं जॉब करूंगी। शादी कर लो। अम्मा आपको हर वक्त शादी और दूल्हे की क्यों पड़ी रहती है? घर से बाहर चली गई और पीछे से दूल्हा आ गया तो वो कहीं खड़ा होकर इंतजार कर लेगा। इरफान से पूछ लेना। क्या पूछ लेना? वो तुम जॉब पे जाओगी ना बाहर? हाँ तो इरफान भाई से क्यों पूछ लेना, वो होते कौन है हमारी जिंदगियों के फैसले करने वाले? मेरी दवाई देख के आता है जी, आटा भी वही लेकर आते हैं, डबल रोटी भी वही लेकर आते हैं, हमजा के स्कूल की फीस भी उन्होंने दी है, सब कुछ अफीरा ने किया है, गुलाम बनाकर रख दिया उसने हमें, मजबूर कर दिया, लेकिन बस अब बहुत हो गया है अम्मा, अब मैं जॉब करूंगी। मजाक बना दिया है। मजाक?
पर मजाक है तो मुझे हंसी क्यों नहीं आ रही? हेलो जी बॉस। वो तू कितनी जल्दी ऑफिस पहुंच सकता है? मैंने जरूरी बात करनी है। बस मैं दस मिनट में आ जाऊंगा। दस मिनट का मतलब 10 मिनट होना चाहिए, इंतजार ना करना पड़े मुझे। ओके ओके सॉरी, बस लेट उठा था। ओके अम्मा, मैं एक स्कूल में इंटरव्यू देने जा रही हूँ। स्कूल में इंटरव्यू? स्कूल में तो पेपर देते। लाफ़ेज़ अम्मा। अच्छा हाँ हाँ आ रहा हूँ। जब भी कोई गर्म चीज खाते हैं ना, वो गुस्सा निकालने के लिए मुझे बुला लेते हैं। उन्हें को सब्र करें, आ रहा हूं मैं। हेलो अच्छा ठीक है, आ रही हूं। हमारा फ्लैट ऑफिस से 1 किलोमीटर दूर है और तुम पूरे 45 मिनट लेट आए हो। सर वो बस का इंतजार कर रहा था। अच्छा पैदल चलने की आदत भूल गए हो क्या? नहीं सर, सुबह गर्मी थी इसलिए। तो उससे क्या फर्क पड़ता है? वो आरजे की तो सिर्फ आवाज सुननी होती है लोगों ने, चेहरा कोई थोड़ी देखता है। जी सर। वो तुम्हारी एक कंप्लेन आई है, हमारे शो पे जो लड़कियां कॉल करती हैं बाद में तुम उनका नंबर लेकर उनको तंग करते हो। जी जी, पर तुम्हें मैंने चांस इसलिए नहीं दिया कि तुम मेरे एफएम को बदनाम करो। सर ये सरासर झूठ है, इल्जाम है मुझ पे। मैं लड़कियों को ऐसे फोन नहीं करता। ओ बस भाई बस, फैसला हो गया, आज के बाद हमारे शो पर कोई लाइव कॉल नहीं आएगी। सर ये जुल्म है सर, मेरा शो तो बर्बाद हो जाएगा। अब मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सर देखें, मेरे लिए अपनी ऑडियंस से इंटरेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर लाइव कॉल बंद होगी तो शो मर जाएगा बिल्कुल। सर कह दिया तो बस। वो क्या कहते हैं, अपने लिसनर से SMS करवा, और वैसे भी तेरे शो की रेटिंग नीचे जा रही है तो मसाला शसाला डाल। सर अभी तो शो स्टार्ट हुआ है। सर तो गलत स्टार्ट लिया ना, इसे अच्छा कर, वरना कुछ और कर। सर एक जरूरी कॉल करनी है जरा। सर हेलो, ले जाऊंगी मैं आप सबको इस घर से। क्यों, ये घर गिरने वाला है क्या? नहीं अम्मा, वो घर बहुत प्यारा है, बड़ा है, हम सब बहुत मजे से रहेंगे। वो हमारा घर तो नहीं है। चुप, मनाल के साथ रह रहे के
वैसी पागलों जैसी बातें करना शुरू हो गया। मनहल शोहर ढूंढने गई है। दिमाग खराब हो गया उसका अम्मा, दिमाग ठीक करना पड़ेगा, मुझे करना आता है। दिमाग ठीक हो जाता है अम्मा? इंसान के पास पैसे होने चाहिए, सब कुछ ठीक हो जाता है। यार ये कौन हो सकता है? आई वही लड़की है, कंफर्म। वो जिसका नंबर लिया था बॉस ने? हाँ, नंबर बॉस ने लिया, कंप्लेन उसने मेरी कर दी, ये क्या बात हुई यार? क्योंकि जिगर नंबर बॉस ने लिया, लेकिन लाइव कॉल के दौरान उससे शायराना अंदाज में मोहब्बत चोहब्बत की बातें तो तू नहीं की थी। तो मैंने उससे कोई धमाका करने को नहीं कहा था, एक जनरल सी बात की थी मैंने। देख जिगर, मुझे तो वो लड़की वैसे ही क्रैक लगती है, अजीब डिप्रेस सी आवाज है उसकी। उसकी कॉल आती है ना तो पूरे स्टूडियो का माहौल अजीब मिस्टीरियस सा हो जाता है। तूने उसका नंबर भेजा था ना मुझे? जी, लेकिन इरफान साहब ने बुला के ना मेरी भी क्लास ले ली है। मुझे कहते हैं कि उसका नंबर किसी से शेयर ना करी, शेयर ना करी। एक ही बात को दो दो तीन तीन दफा बोलता है इंसान। यार ये मुझे इरफान साहब की बिल्कुल समझ में नहीं आती यार, ये क्या लॉजिक है यार? मतलब मेरे शो में लाइव कॉल ही बंद कर दो, मैं क्या करूंगा वहां पे, ढोल बजाऊंगा? ऊपर से क्या कहते हैं कि शो बहुत ठंडा जा रहा है, इसे गर्म करो। गर्म कैसे करो लाइव कॉल बंद करके? देख जगह, ये तो मैंने तुझे बताया था कि इस तरह के मसले मसाइल रहेंगे, यू हैव टू बी केयरफुल। यार लेकिन ये सरासर ज्यादती है यार। मुझे ये किसी अंदर के बंदे की हरकत लगती है। नहीं 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 नहीं, अंदर के किसी बंदे की हरकत हो नहीं सकती ना, क्योंकि किसी भी अंदर के बंदे को तुझसे क्या दुश्मनी हो सकती है। मान ना मान, कहीं इस कहानी के पीछे वो लड़की है। उस लड़की की आवाज सुन के मुझे लगता है कि ये कुछ मतलब कुछ चाहती है। ले आई इमदाद। तुम्हारा दिमाग दुरुस्त है? नहीं, खराब है। तो फिर क्या हो गया है तुम्हें? इस तरह से क्यों बिहेव कर रही हो तुम? अफीरा, तुमने इरफान भाई से क्यों शादी की, कैसे की, क्या किया, ये मैंने तुमसे कभी नहीं पूछा। लेकिन वो शादी सिर्फ तुम्हारी हुई है, हम सब की नहीं। मैंने जो कुछ भी किया है इस घर के लिए किया है और कर रही हूँ। इसीलिए तुमसे कह रही हूँ कि मत करो, ऐसा लगता है जैसे हमारी सांसें भी गिनी जा रही हूँ। कभी सोचा है इरफान ना होते, हमारे लिए ये सब कुछ ना करते, तो कहाँ होते हम? किसी सड़क पर भीख मांग रहे होते। हाँ तो भीख मांग रहे होते तो क्या हो जाता? भीख मांगने वाले इंसान नहीं होते, हमसे तो बेहतर होते हैं, आजाद होते हैं, अपनी मर्जी से भीख तो मांग लेते हैं। अम्मी का इलाज, इस घर का किराया, नादिर की स्कूल फीस, घर के खर्चे, ये सब कुछ भीख से नहीं चलते। और अगर इरफान हमारे लिए ये सब कुछ कर रहे हैं तो बदले में क्या चाहते हैं वो? एक बड़े की इज्जत? That's it? इज्जत नहीं, गुलामी मांगते हैं। तुम क्यों हमारा सौदा करना चाहती हो? तुम बिल्कुल पागल हो चुकी हो। जिस दिन तुम्हारे पास हो ना इतने कि किसी की मदद की जरूरत ना पड़े तो फिर बेशक कर लेना इस तरह से। लेकिन एक बात याद रखो, इरफान इस घर के बड़े हैं, हम सबका भला चाहते हैं और इस घर में भी उन्हीं का हुक्म चलेगा। और हाँ, उनकी FM रेडियो पे किसी प्रोग्राम पे भी कॉल करने की जरूरत नहीं है। इरफान को बहुत बुरा लगा है, सख्ती से मना किया है उन्होंने। हमजा, भाई स्कूल फीस और वैन का किराया। इरफान को कहना कि मनाल को भी सिर्फ डांटा है, उसको एक आधी लगा भी दे। शुक्र करें इस घर को देखने वाला कोई है। हाँ दे दो, वरना मनाल खा लेगी। ला। Thank you.
जिगर ये फोन तेरा कब से बज रहा है यार, चेक कर। हाँ वो चार्ज पे लगे भूल गया था। हाँ चेक कर ले, कोई उधार वाला लग रहा है जो रुक ही नहीं रहा। सारे मैसेजेस बासुन, तेलसन मैं जरा काम से बाहर जा रहा हूँ, कि पूछे तो कह देना कि मैं खाने पे गया हूँ। ठीक है सुबह स्टॉप पे भी थी जी मनाल। देखें हम यहाँ पे ज्यादा देर खड़े के बात नहीं कर सकते, मेरे बॉस ने अगर मुझे ना भी देखा ना तो ये तिवारी आंटी मुझे देख लेंगी। ये इरफान साहब क्या कर रहे हैं? हाँ होना नहीं चाहिए लेकिन है। आपने मुझे इतने कॉल्स और मैसेजेस किए, डर गया था मैं। जी मैं आपको ये बताने आई थी कि मैंने आपकी कोई कंप्लेन नहीं की है, इरफान साहब आपसे झूठ कह रहे हैं। देखें अगर यहाँ पे हम थोड़ी देर भी और खड़े रहे ना तो ये झूठ ना सच में बदल जाएगा और मैं अपनी नौकरी से हाथ धो बैठूंगा, इसलिए आपको खुद पर एतमाद नहीं है जी। डरता तो वो है जो जानता ना, आपको बोलना आता है, कोई भी ले लेगा आपको अगर इरफान साहब ने निकाल भी दिया तो। आप क्या इसी नियत से यहाँ तो नहीं है? आपसे ज्यादा डरपोक शख्स मैंने आज तक नहीं देखा। खैर आप अपनी नौकरी बचाएं, मैं आपको सिर्फ ये सफाई देने आई। तो आप इतनी दूर से सिर्फ ये कहने आई थी? फासला जितना भी हो आते हुए डरी नहीं थी। ऐसा नहीं होता, ऐसा कभी नहीं होता। अगर हो जाए तो बताया नहीं जा सकता, वक्त ठहर जाता है। हर चीज का मतलब और माने बदल जाते हैं अचानक। जिंदा रहने का दिल चाहता है। उस शख्स ने भी आज कुछ यही किया मेरे साथ। मैं उससे मिलने के बाद कई जगहों पे गया लेकिन अब तक उसी सड़क पे खड़ा हूं। पहली बार पता चला कि दिल की बात सिर्फ दिल ही सुनता है। हमारे कान जो सुनते हैं वो दिल की नहीं दुनिया की बात होती है। मैं आज उस शख्स से कहना चाहता हूं कि उसने मुझे वाकई बेबस कर दिया और अब मैं अपनी मर्जी करूंगा। ये तो क्या कर गया था वो शख्स कि तुम सिर्फ अपनी मर्जी करो, डरो मत। इसीलिए लिसनर्स अपना वो ट्रैक जो कि मैंने खुद गाया और खुद बनाया है
आप सब लोगों की तरफ से मैं उस शख्स को डेडिकेट करना चाहता हूँ जिसने मेरी शिकायत तो नहीं लगाई लेकिन खुद आकर मुझे चार्जशीट कर दिया और इस चार्जशीट में सिर्फ एक इल्जाम है मोहब्बत जो मैं कबूल कर चुका So here goes my track, just for you. ओए, ओए इस प्रोग्राम को फौरन ऑफ कर जी मतलब मतलब शतलब छोड़ जो कह रहा हूँ वो कर तो क्या चलाऊं सर कुछ भी चला थीम सॉन्ग चला या कमर्शियल चला फौरन इसको बंद कर पर जी सर क्या हुआ सॉरी जिगर मुझे ऊपर से ऑर्डर आया क्या ऑर्डर सर के शो ऑफ एयर कर ये इरफान साहब पागल तो नहीं हो गए लगते तो मुझे भी हैं लेकिन मैं कहता नहीं हूँ हर्ट हो जाएंगे मैं तो कहा क्या कि गाना रोक दो नहीं मैंने बोला कि शो ऑफ एयर कर दूं क्या बकवास है यार ये मुझे लगता है कि तूने अपना गाना ऑन एयर किया और उन्होंने सुन लिया तो इसलिए फोन किया हमें ना इरफान साहब के इलाज के लिए ना चंदा इकट्ठा करना चाहिए यार मैं सिंगर हूं इन्हें तो मुफ्त में गाना मिल रहा है अपने चैनल के लिए इन्हें और क्या चाहिए जब से गाना चला है इतने मैसेजेस भी आ चुके हैं देख जगह मुझे तो बहुत सीरियस किस्म का फोन आया तो तू खुद करके फोन देख बात क्या हुआ गाना चलते चलते रुक क्यों गया ऑफ एयर कर दिया मुझे क्यों क्योंकि मुझे अपना गाना ऑन एयर करने की इजाजत नहीं है मैंने अपनी मर्जी की और मेरे बॉस ने अपनी मर्जी की तो उससे क्या फर्क पड़ता है एक बात कहूं तुम मुझे अगर चंद घंटे पहले ना मिली होती ना मुझे बहुत फर्क पड़ता लेकिन अब बिल्कुल फर्क नहीं पड़ा क्यों
इस सवाल का जवाब देने के लिए मुझे एक से ज्यादा जिंदगियां चाहिए। इतना बड़ा जवाब है क्या? हाँ, लेकिन इस बात का जवाब मैं तुम्हें दूंगा जरूर। फिलहाल मुझे अपने बॉस के पास जाके जरा दो हाथ करने। तुम उनके घर जा रहे हो? हाँ। उसे उसकी औकात याद दिलाकर आना, उसे बताना कि पैसा जितना भी हो क्रिएटिविटी से ज्यादा बढ़कर नहीं होता। यार आई स्वेयर, तुम क्या चीज हो, कहां थी तुम पहले? फिलहाल तुम्हारा बॉस अपनी बेइज्जती करवाने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा है। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़।